बढ़ते हैं हमारी अगली परफॉर्मेंस की तरफ। आ रही है फिरोज की फौज से डांस की कसौटी पर दिल्ली की डांसिंग डायनामाइट जूही। मास्टर से पूछते हैं उनको कैसा लगा। तो पहले जानते हैं मास्टर श्रुति से। आपने पहली बार प्योर कंटेम्प्रेरी फॉर्म प्रेजेंट किया डांस की कसौटी पे आज। ब्यूटीफुल, आपने जिस तरीके से एक 180 स्प्लिट में आप वो स्लाइड से नीचे आए, ब्यूटीफुल, वेरी ग्रेसफुल। आपके एक्ट में आपने एक बहुत यूनिक टर्न एक्रोबेशिया का एक फॉर्म का एक मूव किया, वेयर योर बॉडी वेट वॉज ऑन योर हेड एंड यू टुक दैट टर्न, इट वॉज ब्यूटिफुल। कंटेम्प्रेरी मूव्स जो आपके थे, थोड़ा मुझे ऐसा लगा स्पीड ब्रेकर पे रुक रुक के ऐसे जा रहे थे। ओनली दैट आई एंजॉयड योर परफॉर्मेंस, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। मास्टर मदास सर, फर्स्ट ऑफ ऑल वो स्प्लिट रोल के लिए मैं आपकी तारीफ करूंगा, बहुत अच्छा बैक कंटिन्यूस आपने रोल किया स्प्लिट करके नीचे। कहीं कहीं मुझे लगा आपके एक्सप्रेशंस कहीं छूटे, तो मैं परेशान ड्रॉप ना 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 ड्रॉप, तो वो देख लीजिए नेक्स्ट टाइम। एंड यू आर रियली अ ब्यूटीफुल परफॉर्मर। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। जूही, सिर्फ एक बात ये कहूंगा कि बहुत प्राउड फील कर रहा हूं मैं कि आप हमारी फौज में शामिल हैं। और जहां तक डांसिंग की बात है, जो भी दोनों मास्टर्स ने कहा कि एक्सप्रेशन और जहां पे ब्रेक्स नहीं लगने चाहिए, इंशाल्लाह अगर आप आगे गई तो उस पर जरूर आप मेहनत करोगी। एंड यू आर अ स्टार फॉर मी, सो ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच मास्टर्स, ग्रैंड मास्टर। अगर डांस की बात करें, इट वॉज प्योर डांसिंग, फ्लॉलेस डांसिंग। और जूही, मैं शुरू से लेकर अभी तक, योर ग्रोथ इज फैंटास्टिक। फैसला क्या होगा मुझे मालूम नहीं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच ग्रैंड मास्टर। थैंक यू सो मच ग्रैंड मास्टर। वैसे जूही, आज हम सबसे पूछ रहे हैं कि आखिर एक विश बताइए जो आज आप पूरी करना चाहेंगे। तो ऐसी कोई विश है जो आज तक पूरी नहीं हुई हो और आप इस मंच पे करना चाहें? मेरे लिए सबसे
बड़ी विश फर्स्ट ऑफ ऑल ये थी कि क्योंकि मुझे पता है कि आज मेरी लास्ट परफॉर्मेंस हो सकती है और मैं चाहती थी कि मेरे पेरेंट्स मुझे यहाँ पे परफॉर्म करते देखे और उन्होंने देखा, तो मेरे लिए फर्स्ट विश तो मेरी ऐसी पूरी हो गई। और दूसरी विश मैं चाहती हूँ कि मेरी मॉम यहाँ पर खुद आकर अपने मुंह से बोले, तो आई जस्ट वॉन्ट हर टू प्लीज प्लीज आइए मंच पर आ जाइए। मेरी मामा और मेरी मासी दोनों, मेरी माँ। हाँ, जो बेटी कह रही थी कि वो विश आपके मुंह से सुनना चाहते हैं, तो बताइए वो विश क्या है। वेल, विशेस तो मेरी अपने आप ही सब पूरी हो चुकी हैं। आप मम्मी हैं? जी। रियली? रियली। बड़ी बहन नहीं? ओ प्लीज। एक बात आपको बताऊं, एक बात आप कुछ कहें या ना कहें, आपकी जो बेटियां ना, इतनी हंसमुख लड़की, हर वक्त हंसती रहती है। और तुम्हें गॉड ब्लेस यू बड़ी, मतलब जिंदगी में कहीं अगर मुलाकात हुई आपको इस चीज के लिए याद रखूंगा जरूर। थैंक यू सो मच ग्रैंड मास्टर। एक और चीज मैं बोलना चाहती हूँ, ये चीज जो मैंने सीखी है वो मैंने मेरे पेरेंट्स से ही सीखी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टाइम्स थे जब मेरे पेरेंट्स ने बहुत स्ट्रगल किया जो मैं आज हूँ उसके लिए, और हर वो टाइम पर दे वर स्ट्रॉन्ग और वो मुझे सिर्फ एक चीज सिखाते थे कि एवरीथिंग हैपेंस फॉर गुड इन लाइफ। तो जो भी आज हूँ माँ और मम्मा की वजह से। मैं चाहती हूँ कि मम्मी और माँ जिन्होंने मेरा डांसिंग स्टार्ट किया, और फिरोज सर जो मेरे यहाँ पर मेंटोर है, मैं उनको साथ में परफॉर्म करते देखना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू कि आप डांस के सबसे बड़े मंच पर आए, थैंक यू सो मच, प्लीज टेक अ सीट, जोरदार ताली हो जाए। जय। हाँ जी सर। सभी विश की बात कर रहे हैं, मैं आप लोगों को कुछ कहूंगा, जरा सुनिएगा। एक लड़की नाम सहारा, जब 3 साल की थी कैंसर हो गया था। चार साल तक किसी एनजीओ के सहारे अब ठीक हो गई है। एक ही विश, डीआईडी मंच पर एक बार डांस करना। ये खबर मेरे पास आई, हमने एक्सेप्ट किया और आज मैं आप लोगों के सामने उसे बुलाऊंगा वो विश पूरी करने के लिए। सहारा please come on stage. Hello Sara. Hello, how are you? Very good, how are you? Sara, tumhari ichcha thi na? Yes. DID manch pe dance karna? Haan. Okay. Pura kar lo. Music. Mm-hmm.
फैंटास्टिक। बहुत प्यारा डांस किया आपने। आपको बता दें कि सहारा ने कोई ट्रेनिंग वेनिंग कुछ नहीं ली है, जो कुछ भी किया अपने आप, मेरे ख्याल से कोरियोग्राफी भी आप ही ने की है, जो जिस तरह से उसको आता है, आपकी इच्छा पूरी होगी, राइट? हाँ। देखो ये डीआईडी का मंच, ये सब बच्चे, ये मास्टर्स, जय अंकल, इशिदान टी, सब ठीक है ना? और माय ग्रैंड मास्टर, मैं आपको एक ग्रैंड सैल्यूट देना चाहता हूं। सर्प सप्त चढ़के बोलेगा एक दिन तेरा जादू, सरा सरा सा रख ले तू अपने दिल पे काबू, शुरू कर धूम मचा संजू में सारा इंडिया, इंडिया डांस, इंडिया डांस। थैंक यू सो मच जजेस, आप अपनी जगह पे जाके बैठ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच सहारा फॉर दिस लवली परफॉर्मेंस। बहुत अच्छा लगा कि आप यहाँ पर आई और आपने डांस किया। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। हाँ, और एक दिन डियर लिटिल मास्टर, और मैं देखूंगा सहारा फाइनल में। वाओ, ग्रैंड मास्टर, मैं एक जिम्मेदारी लेना चाहूंगा यहाँ पे। बोलो सहारा, मैं आपको ट्रेन करना चाहता हूँ। वाओ, आप करोगी मेरे से ट्रेनिंग? ऑफ कोर्स सर। मास्टर मुदस्सर, मास्टर मुदस्सर, शो शुरू हो गया है, क्या कर रहे हैं आप मोबाइल फोन के साथ? हाँ, एक मिनट, एक मिनट, सॉरी, वो एड चल रहा था तो मैंने सोचा तब तक मेरा पुराना लैपटॉप था तो मुझे वो बेचना था, तो मैंने उसको quicker.com पे बेच दिया। कुछ नहीं, बस फोटो अपलोड किया, बायर मिल गया और फटाफट पाटोला। क्या बात कर रहा है? चलो भाई, मार्क पे आ जाओ यार, बात बात पे तुम्हें ही बताना पड़ेगा। चलो मार्क पे तो हूँ मैं, जबरदस्ती लाइन लाइन लो लाइन। अरे क्या है यार, दादा कितनी बार सिखाओ इसे, कब से मैं मतलब बता बता के थक गया हूँ। आप क्या सिखाओगे उसे? क्यों क्यों मतलब? अरे दादा सीनियर हो दादा। अच्छा, सीनियर होने की वजह यह है कि तुम कुछ भी बोलोगे? नहीं दादा, तीन चार साल। दादा अगर ये आपको इतना ज्यादा तकलीफ दे रहा है तो निकाल दो ना दादा, क्यों रखे हैं इसको? हेलो, अरे सारे परेशान है आपसे, इशिता परेशान है, मुदस्सर परेशान है, आई थिंक हम दोनों भी अभी परेशान हो। अरे क्यों परेशान भाई, क्या इनको कुछ बोले तो आपको क्यों तकलीफ हो रही है? बट आपको क्या क्या चाहिए बताइए, मैं कब? आप सबकी विश पूरी कर रहे हो? हाँ, तो मैं चाह रहा हूँ कि आपकी भी एक विश पूरी कर ही देता हूँ। मेरे लिए? यस, आपके लिए अरेंजमेंट किया है। प्लीज प्लीज, तो आ जाओ भाई। दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन, ओ मैं हूँ कौन। जय, आपने पूछा नहीं ये कौन है? सेलिब्रेशन विद योगेश। वैसे तो मेरा नाम है योगेश, लेकिन खूबसूरत लड़कियाँ और मेरे चाहने वाले मुझे प्यार से कहते योगी, तो आप लोग मुझे क्या बुलाओगे? योगी, योगी। एक सेकंड, कोई काम धंधे नहीं है, कोई भी आ जाता है योगी योगी, फिर जोगी जोगी। नहीं जय, ये कोई भी नहीं है, जय ये कोई भी नहीं है, हमारे नए एंकर है। यस, नए एंकर। ऑल योर्स, गो फॉर इट। और मैं नहीं नहीं जाना नहीं, देख हमारे में खूबी है, हम किसी को अगर बेइज्जत करेंगे तो सामने करेंगे। अरे दादा, थैंक यू सो मच, आपने मेरी दिल की बात छीन ली। आपको मैं चैलेंज दे रहा हूँ, आपको जाना तो है लेकिन अब और क्या क्या आता है वो मुझे देखना है। नहीं, एक मैं बेस्ट एंकर हूँ, उसके साथ साथ मैं मिमिक्री कर सकता हूँ, फीमेल वॉइस में गाना गा सकता हूँ। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिल है कौन सी, मैं वो
समझ सके ना। देखो मैं ऐसे जनानी वाले काम नहीं करता हूँ, मर्दों वाली आवाज है, मर्दों की तरह बोलूंगा। अभी आप गा के दिखाइए। कौन सा गाना गाओगे? जो माई के लिए तू गाता था, चल गा। तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे। ये रोज गाता हूँ फिर भी माई के नहीं जाती दादा, क्या बोलूं इसका यार मैं। घर पे ऐसे बैठी रहती है ना डायन की तरह मेरे घर पे ऐसे। तेरी कितनी हिम्मत बढ़ती जा रही है, ये टेलीकास्ट होने वाला है। होन दो, मैं आउट ऑफ इंडिया उस बार। और क्या क्या कर सकते हो? और मैं शेरो शायरी। अगर शेरो शायरी सुनाओ मास्टर सिद्धि, ये आपके लिए। हाँ ये सुनना चाहेंगे हम। सच धज के आती हो क्या हमें मार डालोगी। वाह बोलिए। वाह सच धज के आती हो क्या हमें मार डालोगी, ये दिल हमें दोगी तो क्या उसका अचार डालोगी। अच्छा और आपको क्या आता है? दादा डांस डांस रियलिटी शो में डांस होना चाहिए, इनको डांस नहीं आता है। यस हो जाए हो जाए। लगा म्यूजिक ले। तो बनता है जोरदार ताले हो जाए। जय भवानी के लिए। और अब बढ़ते हैं श्रुति के शानदार के नॉमिनेशंस के तरफ। तो श्रुति के शानदार के सभी डांसिंग स्टार्स प्लीज मंच पर आ जाइए। तो अब बारी है नॉमिनेशंस की। कल के परफॉर्मेंस के बाद सुनिकेता और सृष्टि, सुनिकेता ने बहुत परफॉर्म किया था वो एक्ट में, आप वो प्रॉप को मनूवर कर रहे थे, तो सृष्टि मैं चाहूंगी कि आप आज डांस की कसौटी में परफॉर्म करें। आई थिंक जब से ओपनिंग हुआ है मनन हमेशा उन्होंने परफॉर्म किया है डांस की कसौटी में, सुमेध आज आप डांस की कसौटी में परफॉर्म करेंगे। कॉन्ग्रेचुलेशन सुनिकेता एंड कॉन्ग्रेचुलेशन मनन, आप शामिल हो गए हैं हमारे दमदार दस में। जोरदार ताले हो जाए। सुमेध सृष्टि आप डांस की कसौटी पर हैं, सो आप प्लीज बैक स्टेज जाएं और अपने परफॉर्मेंस की तैयारी करें। ऑल द बेस्ट। और अब आ रहे हैं श्रुति के शानदार से डांस की कसौटी पर बीट किंग सुमेध। My life between 22 yards for 24 years. Go. My father told me that chase your dreams, but make sure you don't find shortcuts. The first cricket bat of my life was presented to me by my sister. The turning point of my career was when my brother took me to Atrika sir, my coach, and from there all my life changed. Oh.
Every time I've done something special, whenever I've showed my back, it was my father. I just feel that all of us are so, so fortunate and proud to be part of Indian cricket team, serving the nation. But the memories that you've left with me will always be with me forever and ever. Especially Sachin, that will reverberate in my ears till I stop breathing. Now that was a super rocking performance! Zyada taaliyan ho jaye! सुमेध, व्हाट अ परफॉर्मेंस। मैंने कभी सोचा नहीं था कि सचिन तेंदुलकर के लास्ट स्पीच को इस तरह से प्रेजेंट किया जाएगा। व्हाट अ परफॉर्मेंस, आई लव्ड इट। तो चलिए फिर जानते हैं मास्टर से, और सबसे पहले हम पूछेंगे मास्टर फिरोज से। एज अ परफॉर्मेंस, एज अ थीम, इट्स अमेजिंग, इट्स रियली रियली नाइस टू सी। आपका जो सेकेंड हाफ था कोरियोग्राफी का, जब कॉमेंट्री स्टार्ट होती है और आपने जो इनैक्ट किया, वॉज ब्यूटिफुल। आपके लिरिकल से ज्यादा मुझे आपकी पॉपिंग बहुत पसंद आई। बीच में आप लिरिकल कर रहे थे, बट लिरिकल से ज्यादा मुझे आपकी पॉपिंग, जो आपका फोर्टे है। एक सीक्वेंस आपने किया विद द बैट, आपने जब बैट उठाई और हाई स्पीड में आपने मारने की कोशिश की और सारे सीजन बॉल हवा में उड़ने लगे, दैट वॉज अ रियली वाव मोमेंट फॉर मी। रहा बात डांसिंग की, आई थिंक थ्रू आउट यू वर वाव सुमेध, एंड आई लव यू फॉर दिस। थैंक यू सर, एंड आई जस्ट विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो मैं इस कॉन्सेप्ट के लिए थोड़ा सा मास्टर फिरोज से सहमत रहूंगा कि कहीं कहीं लिरिकल थोड़ा सॉफ्ट गया है, बट इट वॉज कंप्लीट। मेरे हिसाब से इट वॉज कंप्लीट। मुझे कहीं बीच में थोड़ा पोर्शन ऐसा थोड़ा ठंडा लगा, मतलब फिर उसके आपने जो उठाया उसके बाद फिर वो मेरे को मजा आने लगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। सुमेध, डांस के बारे में अगर मैं सिर्फ प्योर डांस के बारे में बात करूं, जो आपका एक स्टाइल है, जो आप पॉप करते हो, आपका एक स्टांस है, वो एक सुमेध का एक एक कॉपीराइट है जो आप जब भी आते हो ना वो स्टेज पे लेके आते हो। बहुत टाइम ऐसा होता है सुमेध कि जब हम आपको डांस करते हुए देखते हैं हमको ऐसा लगता है बेसिक है, लेकिन वो आप प्रेजेंट करते हो बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्टेप्स, आप बहुत अच्छे से फेंक के आते हो स्टेज पे। ब्यूटिफुल हार्ड वर्क, लेट्स सी क्या होता है, बट ऑल द बेस्ट। आई एम वेरी प्राउड। थैंक यू सो मच। थैंक यू मास्टर। ग्रैंड मास्टर, आप प्लीज बताइए। मैं आप और श्रुति दोनों के, हम दोनों के आभारी रहेंगे, डीआईडी परिवार आभारी रहेंगे कि हमने सचिन सर को डीआईडी के मंच में ट्रिब्यूट दे दिया। एंड व्हाट ए ट्रिब्यूट। एक गाना होता है, गाने के ऊपर आप लिरिकल करो, डबस्टेप करो, चलता है, बट एक स्पीच के ऊपर ये थॉट लाना, ये सोच, मैं दावे से कहता हूं कि ये सिर्फ क्या मैजिक है, इस स्टेज पे क्या होता है पता नहीं। मैं इसे तो नहीं कर सकता क्योंकि आज का दिन ऐसा है श्रुति, मैं बंदिश में हूं, लेकिन आपको तो कह ही सकता हूं, क्या बात, क्या बात, क्या बात। थैंक यू सो मच ग्रैंड मास्टर, एंड थैंक यू सो मच सुमेध फॉर दिस लवली परफॉर्मेंस। जोरदार तालियां हो जाए सुमेध के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। प्लीज टेक अ सीट। तो बढ़ते हैं हमारी अगली परफॉर्मेंस की तरफ। आ रही है श्रुति के शानदार से डांस की कसौटी पर फ्लाइंग एंजल सृष्टि। Thank you.
सनननन जा जारी 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 पवन मेरे जैसा ढूंढ केला मेरा सजन सन सनननन सन सनननन जा जारी 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 पवन ऐसा कहीं कोई नहीं ऐसा कहीं कोई नहीं ऐसा हो तो शायद मैं कर लूं मिलन ऐसा हो तो शायद मैं कर लूं मिलन सुपर जानते हैं मास्टर से कि उन्हें आपका ये परफॉर्मेंस कैसा लगा और सबसे पहले हम पूछेंगे मास्टर मुदास सर से मैं भूल जाऊं मतलब उस बात को थोड़ा फेड हो जाए इसलिए मैं उसके सबसे पहले उस बात को रखूंगा कि आपने वो जो लास्ट एम लगाया और जो लास्ट आपने प्रॉपर टाइमिंग पे जो एग्जीक्यूट किया है वो चीज सुपर है क्योंकि बहुत ज्यादा स्पिन होने के बाद आप खुद को पता नहीं होता कि आप कौन सी पोजिशन पे हो मुझे सबसे ज्यादा अच्छी चीज जो लगी जो आपका कलरीपट का जो पोर्शन था थोड़ा ट्राइबल म्यूजिक पर था वो मुझे बहुत अच्छा लगा आपका लुक एक पोज था जहां पर आप पैर बाहर निकालते हो और आप लुक देते हो एक दैट वॉज रियली स्टनिंग बहुत अच्छा पोज था वो थोड़ा मैं चाहता था और एक थोड़ा एक स्टेप और ऊपर आप जाती तो मुझे और अच्छा लगता नॉट एवरीवेयर जस्ट बिगिनिंग का पोर्शन बाकी कलरी से तो आपने आसमान पे ले लिया पूरा परफॉर्मेंस थैंक यू सो ऑल द बेस्ट थैंक यू मुझे सबसे अच्छी बात आपने क्या लगती पता है आप अपने कैरेक्टर को ना डांस में बाखूबी ढालना जानते हो आपका ये रूप देख के आई थिंक आई मस्ट से दैट आप एक वर्सटाइल हो परफॉर्मर सीरियसली शुरुआत आपने बहुत अच्छी की वहां से पिलर के पीछे से और आप एक स्मूथ वेव ऊपर गए तो मुझे लग रहा था पता नहीं आपको कोई लिफ्ट कर रहा है या कोई मैकेनिज्म पे बट इट लुक रियली वाओ और फिर आपने बीच में पॉज लिया दैट स्टे वॉज वेरी लॉन्ग तो मुझे लगा आपने टो पॉइंट नहीं किया तो मतलब शायद मैं वहां पे पकड़ूंगा आपको मगर नहीं आपने इसलिए नहीं लिया बिकॉज आपको वो पैर की छन करनी थी वहां पे बट एक जगह चाइनीज पलटा के से पहले थोड़ा सा बैलेंस ऑफ हो गया था आपका मगर मैं उसको नजरअंदाज करूंगा बिकॉज उसके बाद में जो आपने किया वो लाठी के साथ में आई थिंक टिल द एंड यू आर वाओ वाओ एंड वाओ सो ऑल द बेस्ट सृष्टि ऑल द वेरी बेस्ट सृष्टि वज्र बॉडी वज्र परफॉर्मेंस थैंक यू सो मच खाली एक चीज कहना चाहूंगी कि कंटेम्प्ररी फॉर्म हुआ है आपका फोटे है लेकिन आपने कलरी इतना ब्यूटिफुली किया थोड़ा टेंशन था कि एक कंटेम्प्ररी में बहुत ही फ्लोई पॉस्चर्स सही होने चाहिए आपके किक्स एक्सटेंशन पॉइंट्स करेक्ट होने चाहिए लेकिन कलरी में यू कांट हैव दोज पॉइंट्स यू हैव टू बी फ्लेक्स तो वो जो दो वेरिएशन के बीच में आप आते जाते गए आई थिंक फॉर मी दैट वॉज ब्यूटिफुल आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू थैंक यू सो मच रॉकस्टार ऑल द बेस्ट थैंक यू मास्टर ग्रैंड मास्टर हम लोग जब चक्री मारते हैं फिर उल्टा चक्री मारते हैं एक मिनट शॉट के बाद ताकि हम सही हो जाए और आपने तो कमाल कर दिया मैं भी सोचा यू विल डेफिनेटली मिस इट लेकिन वाह एकदम बैंग ऑन ठप और साथ साथ वो भी फवारे निकले आहा थैंक यू वेरी मच सृष्टि लेट्स सी व्हाट हैपेंस थैंक यू सो मच ग्रैंड मास्टर एंड थैंक यू सो मच सृष्टि प्लीज टेक अ सीट थैंक यू
मस्ती और धमाल का ये दोस्तों कुछ भी नहीं है, क्योंकि बहुत जल्द आ रहे हैं डांस के सबसे बड़े मंच पे, डांस के बाप। ऑडिशन का ऐलान हो गया है 17 दिसंबर को जयपुर में, तो बच्चा पार्टी हो जाइए तैयार, क्योंकि आ रहे हैं डीआईडी लिटिल मास्टर्स फिर एक बार। आज के सारे परफॉर्मेंसेस हो चुके हैं और अब वक्त है ये जानने का कि किसका परफॉर्मेंस हमारे ग्रैंड मास्टर को सबसे ज्यादा पैशनेट लगा है। ग्रैंड मास्टर, सो मारुति सुजुकी पैशनेट परफॉर्मर ऑफ द वीक का खिताब मिलता है स्वराली एंड धीरज को। कांग्रेचुलेशन धीरज एंड स्वराली, आप हैं इस हफ्ते के मारुति सुजुकी पैशनेट परफॉर्मर ऑफ द वीक और आपको मिलता है मारुति सुजुकी की तरफ से ये शानदार गिफ्ट। डांस की कसौटी पर उतारे गए सभी 6 डांसिंग स्टार्स अपनी बाजी खेल चुके हैं, अब फैसला ग्रैंड मास्टर के हाथ में है। वो 2 डांसिंग स्टार्स कौन है जिन्हें आज शायद ये मंच छोड़कर जाना होगा? मैं चाहूंगा कि डांस की कसौटी पर उतारे गए सभी 6 डांसिंग स्टार्स प्लीज मंच पर आ जाएं। ग्रैंड मास्टर का फैसला मेरे हाथ में है। तो वो पहली डांसिंग स्टार जो ग्रैंड मास्टर के फैसले के मुताबिक डांस की कसौटी पर सुरक्षित है वो है स्वराली। कांग्रेचुलेशन, आप हमारे दमदार 10 में शामिल हैं। जोरदार ताली हो जाए, आप अपनी जगह पे जाके बैठ सकते हैं। तो वो दूसरी डांसिंग स्टार जो डांस की कसौटी पर सुरक्षित है वो है सृष्टि। सृष्टि, मुबारक हो, आप हमारे दमदार 10 में शामिल हैं। जूही, डांस के सबसे बड़े मंच पर आपका सफर सिर्फ यहीं तक था। जोरदार तालियां हो जाए, कम ऑन गाइस। अब आ रही है लड़कों की। तो ग्रैंड मास्टर के फैसले के मुताबिक वो पहला डांसिंग स्टार जो डांस की कसौटी पर सुरक्षित है वो है श्याम। कांग्रेचुलेशन श्याम, आप हमारे दमदार 10 में शामिल है। जोरदार ताली हो जाए। वो दूसरा डांसिंग स्टार जो डांस की कसौटी पर सुरक्षित है वो है आशुतोष। कांग्रेचुलेशन आशुतोष, आप हमारे दमदार 10 में शामिल है। जोरदार ताली हो जाए, आप अपनी जगह पे जाके बैठ सकते हैं। I'm really sorry, Sumit. तो आज हमें मिल गए हैं हमारे दमदार 10 के पहले 8 डांसिंग स्टार्स। 2 और की जगह बाकी है। कौन होंगे वो? वो तो अगले हफ्ते ही पता चलेगा। तब तक इंडिया, keep dancing.